फ्राइडे, आई डोंट लाइक फ्राइडे, आई अवॉइड बिकॉज न्यू फिल्म रिलीजेस, बट सैटरडे लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक. अपन अंसारी, आप सभी लोगों का वॉकिंग सायाश, संजू बाबन, प्रशांत नील की फिल्म KGF द्वितीय यानी KGF चैप्टर 2 के डे नंबर 15 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, अरे भैया ये शुरुआत में क्या बोला भैया, जरा समझाएंगे, जरा जहमत समझे, समझाने के लिए हम समझ नहीं पा रहे भैया, क्या आपकी दिक्कत क्या चल रही है. फ्रेंड्स, कल एक दिन रुक जाइए, फ्राइडे का दिन, सैटरडे KGF चैप्टर 2 ये बहुत भारी पड़ने वाला है सारी की सारी फिल्मों को. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. कल ये खेल खेल रहा है लेकिन अपने पास अभी जो शो काउंट है डे नंबर 15 का वो नहीं आया है KGF का. ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, हिंदी वर्जन इज गोना एक्सप्लोर ऑन सैटरडे एंड यू मी एंड एवरीवन विल विटनेस समथिंग सो क्रेजी कि कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा आप लोगों ने. तो सैटरडे का इंतजार कीजिए. फिलहाल कल लेट्स सी क्या होता है. कल सुबह जब मिलेंगे शायद मैं एपिसोड कल नहीं बना पाऊंगा क्योंकि दो फिल्में देखनी है मुझे, हीरोपंती एंड रनवे दोनों देखनी है मुझे कल. तो कल रात को ही मिलेंगे बेसिकली हम लोग. तो कल रात को हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इसके पास कितने शोज है. चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं. एंड कांग्रेचुलेशंस प्रशांत नील एंड एवरीवन एट होमबले, यश, संजू बाबा, रवीना टंडन एंड श्रीनिधि शेट्टी एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन KGF चैप्टर 2. देखिए गाइस, संजू, पीके एंड उसके बाद टाइगर जिंदा है, फिल्मों को हराना आसान नहीं था, वो भी 14 दिनों में फ्लैट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लोग चाहे कुछ भी कह देंगे, लोगों का काम है कहना. यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी इन लाइफ. समझ में आ रही है बात? जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे ना कि आप एज एन इंडिविजुअल हर आदमी को खुश नहीं रख सकते हो, उस दिन आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी. एंड यही KGF चैप्टर 2 के साथ हुआ है. उन्होंने अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट किया, दे वॉक्ड इररिस्पेक्टिव, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, हमारी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, उनको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास था, उनको KGF के फैंस पे विश्वास था. उन्होंने फैंस ने आज उनको जो फल है वो दे दिया यहाँ पर. अब जो भी ये कमाई की वो बोनस होगा. सो गाइस, डे नंबर 14 फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की है एंड इसी के साथ का टोटल जो है वो 343.13 करोड़ है, यानी कि 343.13 करोड़. अब गाइस बात करते हैं इसके ग्रॉस की. तो ग्रॉस हुआ 7.35 करोड़. कर्नाटका कल का प्रेडिक्शन था 3 करोड़ बट आया 3.6 करोड़, विच इज सुपर्ब. एपी तेलंगाना प्रेडिक्शन 1 करोड़, ऑफिशियल 1.3 करोड़. आई थिंक कल से KGF चैप्टर 2 के जो कलेक्शंस है वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली चिरंजीवी एंड रामचरण की अचारी आ रही है जिसको मैं सैटरडे देखने की फुल तरीके से कोशिश करूंगा क्योंकि कल दोनों फिल्में देखते देखते ऑलमोस्ट शाम हो जाएगी. सो गाइस, अचारिया आई विल वॉच इट ऑन सैटरडे. एंड उसके बाद बात करूंगा यहाँ पे तमिलनाडु की. तो तमिलनाडु में प्रेडिक्शन था 2.5 करोड़ का, था आया 2.2 करोड़. कल एक और फिल्म के आज ही रिलीज हो गई, आई थिंक सेतुपति एंड समानता नयनतारा की फिल्म है. तो गाइस कल से वहां पे भी शोज जो है वो थोड़े रिड्यूस हो जाएंगे. बात करूंगा इस कर्नाटका केरला की तो केरला प्रेडिक्शन 1 करोड़ का था एंड आया 1 ही करोड़. ओके, तो प्रेडिक्शन जो था ऑल इंडिया का वो था 16 से 17 करोड़ एंड द ऑफिशियल कलेक्शन इज 15.45 करोड़, यानी कि 15.45 करोड़. इसी के साथ ब्रेस योरसेल्फ्स, 14 दिनों में KGF चैप्टर 2 ने सिर्फ इंडिया में 792.35 करोड़ की कमाई की है. यस फ्रेंड्स, 792.35 करोड़ ओवरसीज इस फिल्म ने 2 करोड़ कमाया है. तो इंडिया 15.45 करोड़ प्लस ओवरसीज 2, तो वर्ल्ड वाइड टोटल जो होता है यहां पर इसके 14वें दिन का वो होता है 17.45 करोड़. एंड ब्रेस योरसेल्फ्स, द वर्ल्ड वाइड टोटल फॉर KGF चैप्टर 2 आफ्टर 14 डेज इज 967.71 करोड़. यस फ्रेंड्स, 967.71 करोड़ है जो उड़ान है जो जा रही है यहाँ पे 1000 करोड़ की, वो इसने शुरुआत कर दी है. अब गाइस, आज है 15th डे मेरा भाई. 15th डे पर ये फिल्म हिंदी वर्जन में कहीं ना कहीं 5.25 से 5.75 करोड़ कमाएगी. देखिए गाइस, जर्सी का न चलना KGF चैप्टर 2 के लिए एक वरदान बनकर आया है. यू नो द अनसक्सेसफुल रन ऑफ जर्सी वॉज अ बून फॉर KGF चैप्टर 2 एट द बॉक्स ऑफिस एंड इसी के कारण ये फिल्म स्टेडी रही पूरे वीक में. एंड अगर ये कल कहीं ना कहीं 5.5 करोड़ भी कमाती है हिंदी वर्जन में, देन गाइस इसका जो हिंदी वर्जन है 15 दिनों में 348.68 करोड़, यानी कि 348.68 करोड़ कमा देगा. इफ KGF कैन जस्ट आफ्टर द पैंडमिक एनी फिल्म कैन. ये दिमाग में याद रखना, अपनी फिल्म को कभी कमजोर मत समझना. कौन सी फिल्म बाप बन के निकलेगी ना, ये आप गैस नहीं कर सकते हो. जब KGF 15 दिन में 348.68 कर सकती है
कोई भी फिल्म कर सकती है। तो ये दिमाग में याद रखना, एक ऐसा अचीवमेंट है जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे कल के ग्रॉस की, तो हिंदी ग्रॉस कहीं ना कहीं 6.25 करोड़ आएगा। बात करो कर्नाटका की तो 3 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 1 करोड़, केरला 75 लाख एंड तमिलनाडु कहीं ना कहीं 1.75 करोड़। तो गाइस कल का प्रेडिक्शन जो है ऑल इंडिया का वो है 12.75 से लेके 13 करोड़, एंड अगर 13 करोड़ भी आया देन ब्रेस योरसेल्फ्स, क्या बना हुआ है 15 दिनों में इंडिया में 805.35 करोड़ का ग्रॉस, यानी कि सिर्फ इंडिया में ही, केवल इंडिया में 805.35 करोड़ का जो कलेक्शन है ग्रॉस का वो हो जाएगा। एंड बात करो ओवरसीज तो कहीं ना कहीं 1.5 करोड़ आएगा, तो इंडिया का 13 करोड़ का ग्रॉस, ओवरसीज का 1.50 करोड़ का ग्रॉस, तो 15वें दिन पर जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा वो 14.50 करोड़ होगा, विच विल मेक वर्ल्ड वाइड टोटल ऑफ 15 डेज फॉर KGF चैप्टर 2 972.21। तो कल दूसरे हफ्ते के समाप्ति के बाद यानी कि 15 दिनों के बाद जो नंबर आपको दिमाग में याद रखना है वो है 972.21 करोड़। फिर उसके बाद फ्राइडे सैटरडे मैक्स टू मैक्स संडे वी आर सिटिंग इन द 1000 करोड़ क्लब। भैया हुम्बल है, उसके बाद आपकी मर्जी है भाई, पोस्टर रिलीज करना तो कर दीजिएगा, हमारी फिल्म भी आ रही है कल, लगता है आपने सुना नहीं हमारी फिल्म के बारे में। हाँ okay, so चलिए आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं, लेट्स सी व्हाट द लास्ट डे फॉर द सेकंड वीक ऑफ KGF चैप्टर 2 होल्ड्स फॉर अस। तो शुरुआत करेंगे गाइस सबसे पहले कन्नड़ा वर्जन से, तो कन्नड़ा में मॉर्निंग शोज 8%, ये गाइस बहुत रेयर हुआ KGF के साथ, इसके जो मॉर्निंग शोज है वो 10% के नीचे गिरे हैं, आज हो गया है आफ्टरनून 11% है, इवनिंग शोज इसके 18% है, रात के शोज 19% पे चल रहे हैं। बात करेंगे बेंगलुरु की, तो बेंगलुरु 469 शोज में भी 16% की ऑक्यूपेंसी लेकर चल रहा है। कल का दिन इंतजार कीजिए भैया, कल छुट्टी होगी, सब लोग काम काज से छुट्टी लेंगे और भैया फिर से कलेक्शन बढ़ेंगे, तो कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होगा बेंगलुरु में। KGF चैप्टर 2 के लिए शो काउंट याद रखना 469 शोज है। बात करूं हुबली की तो 28 शोज में 18% ऑक्यूपेंसी है। बात करूं गुलबर्गा की 13 शोज में 69% की वॉपिंग ऑक्यूपेंसी है। बेलगाम में 14 शोज में 12% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूं मैसूर की 53 शोज है 22% की ऑक्यूपेंसी विच इज रियली गुड। कुंदापुरा 12 शोज 22% ऑक्यूपेंसी। टुमकुर 21 शोज 38% ऑक्यूपेंसी। बात करोगे यहाँ पर रायचूर की 9 शोज 25, यानी कि ड्रॉप फ्रॉम येस्टरडे टू टुडे इज एब्सोल्युटली मिनिमल। बात करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट हिंदी वर्जन, मॉर्निंग शो 10% लगातार 15 दिनों तक KGF चैप्टर 2 का हिंदी वर्जन जो है सुबह 10% की जो ओपनिंग है वो लेकर उसने शुरुआत की है। आफ्टरनून 12%, इवनिंग 15% की ऑक्यूपेंसी है। एंड गाइस मुंबई में इसके पास 640 शोज है। मैं तड़प रहा हूँ कि इसका फाइनल शो काउंट आएगा कल। देखो जो शो काउंट आएगा ना KGF का वो इसका टेम्पररी शो काउंट होगा, जो असली शोज होंगे वो हीरोपंती 2 एंड रनवे की सफलता पे डिपेंड करते हैं। उसमें से एक भी पिक्चर फिसली एंड सैटरडे को जाकर इसके शोज जो है वापस से शूट अप होंगे। आज की मुंबई की ऑक्यूपेंसी 16% की थी जो कि काफी अच्छी है। दिल्ली NCR 806 शोज 12% ऑक्यूपेंसी। पुणे में 14% ऑक्यूपेंसी 259 शोज है। बेंगलुरु की बात करूं 74 शोज में 25% ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 285 शोज में 18% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 26% ऑक्यूपेंसी 385 शोज। बात करूं चेन्नई तो 52% ऑक्यूपेंसी 19 शोज, यानी कि हिंदी वर्जन यहाँ पे गिर ही ना रहा है। सूरत की बात करूं 228 शोज में 17% की ऑक्यूपेंसी। भाई ये 15वें दिन पर भी यू नो 5.5 करोड़ रुपए कमाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है गाइस, एंड ऐसा लग रहा है कल उतना ही कलेक्शन आएगा जितना प्रेडिक्ट किया है। अब गाइस बात करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट तमिल वर्जन की। गाइस तमिल वर्जन ने हमको सरप्राइज किया है, पूरे 14 दिनों तक सरप्राइज किया है। एंड गाइस आज की भी रात के शोज 29% ऑक्यूपेंसी पर चल रहे हैं। बात करूं चेन्नई की 166 शोज में 38% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु 71 शोज में 29% की ऑक्यूपेंसी। लुक एट कोयंबतूर 60 शोज में 38%। पांडिचेरी 16 शोज में 59%। बात करूं गाइस त्रिची की, त्रिची सुपर 22 शोज में 64% की ऑक्यूपेंसी। त्रिवेंद्रम में 42 शोज है गाइस, यहां पे 25% की ऑक्यूपेंसी, यानी कि तमिल द कन्नड़ा एंड द हिंदी वर्जन हैव बीन द बैकबोन फॉर KGF चैप्टर 2। एंड अब बात करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट IMAX वर्जन की। IMAX वर्जन की बात करूं तो मुंबई में 29 शोज थे 20% की ऑक्यूपेंसी। दिल्ली NCR में 20 शोज से 30% की ऑक्यूपेंसी। लखनऊ में 5 शोज थे 41% की ऑक्यूपेंसी। ब्रिलियंट पुणे में 5 शोज थे 19% की ऑक्यूपेंसी। यानी KGF चैप्टर 2 ने 15 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ और सिर्फ यहां पर दिवाली की है एंड सिर्फ और सिर्फ बाप लेवल के कलेक्शंस की है। एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि फिल्म गंदी गिर गई, फिल्म खत्म हो गई, रफ्तार खत्म हो गई। स्पेशली द ट्रेंडिंग इन द सेकंड वीक इज सो गुड कि सीरियसली आने वाले कई समय में हम जब एपिसोड बनाएंगे तो KGF के नाम हमेशा छाते रहेंगे। एंड गाइस ऐसा लग रहा है
हिंदी कल 5.25 से 5.75 करोड़ कमाएगा, एंड कल इंडिया पोस्टर आया तो 805.35 करोड़, 805.35 करोड़, एंड वर्ल्ड वाइड पोस्टर आया तो 972.21 करोड़, यानी कि 972.21 करोड़। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। बस कल का इंतजार है केजीएफ चैप्टर 2 वीक 3 के। गाइस केजीएफ चैप्टर 2 का जो मोटिव है, एक बहुत ही बड़ा मोटिव है, लार्जर मोटिव है। इसको दंगल का रिकॉर्ड तोड़ना है, नंबर वन। इसको 400 करोड़ क्लब में एंट्री करनी है। इसलिए गाइस जो पब्लिक है वो केजीएफ चैप्टर 2 को बहुत रूट कर रही है, यू नो, कि चीयर कर रही है कि कैसे भी इसे शोज मिले ताकि ये थर्ड वीक में भी जाकर फायर लेवल के कलेक्शंस करें। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।